बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंटर से टिकट बनाते हैं लेकिन उसको फॉर्म भरना नहीं आता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा काउंटर से टिकट बनाने पर फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप काउंटर में जाएंगे तो आपको इस तरह से एक फॉर्म दिया जाएगा। सबसे पहले इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इस तरह से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ ट्रेन एंड ट्रेन नेम पूछ रहा है, तो आप ट्रेन का नंबर डालेंगे यहाँ पे या फिर ट्रेन का नेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी, आप किस दिन का सफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ तारीख डाल देंगे। जैसे कि आपको 14 तारीख का चाहिए तो यहाँ 14 तारीख लिख देंगे। उसके बाद कौन सा क्लास में चाहिए, एसी में चाहिए या स्लीपर में चाहिए, तो अगर स्लीपर में चाहिए तो यहाँ स्लीपर लिख देंगे। अगर आपको एसी में चाहिए तो एसी का कौन सा टायर में चाहिए, 3 टायर, 2 टायर या फर्स्ट टायर। जैसे कि अगर 3 टायर में चाहिए तो यहाँ 3 लिख देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे, 3A यानी 3 टायर हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ से कौन सा बर्थ या सीट चाहिए, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड अगर S3 में सफ़र कर रहा है तो आपको अगर उसी डब्बा में ही चाहिए तो यहाँ आप S3 लिख देंगे, तो आपको उसी डब्बा में ही दे दिया जाएगा अगर सीट अवेलेबल होने से। उसके बाद यहाँ स्टेशन फॉर्म पूछ रहा है, मतलब कहाँ से आपको जाना है। जैसे कि मुझे अगर कटिहार से, यहाँ लिख देंगे हम कटिहार से, और यहाँ 2 में लिखेंगे हम पटना। जैसे कि मुझे कटिहार से पटना का टिकट बुक करना है तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेशन फॉर्म कटिहार और 2 पटना तक, ये लिख देंगे। बोर्डिंग एट में लिख देंगे आप कहाँ ट्रेन में बैठना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कटिहार से ही मेरा टिकट होगा तो हम कटिहार में ही गाड़ी में बैठेंगे। चाहे तो आप यहाँ बोर्डिंग को चेंज करके नौगछिया भी कर सकते हैं, अगर आपका घर नौगछिया है तो यहाँ नौगछिया लिख देंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर एक फिल कर देंगे, जिसमें आपको यहाँ PNR का अपडेट SMS के थ्रू मिलता रहेगा, वो यहाँ फिल करने से आपके लिए बेहतर है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आदमी का सीरियल नंबर डाल देंगे, जितना भी आदमी, जैसे कि 1 नंबर में यहाँ लिख देंगे, आदमी का नाम जो है यहाँ बड़ा अक्षर में लिख देंगे। उसके बाद इस तरह लिख देंगे और इतना तक आना चाहिए। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी में हम यहाँ इंडियन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर में अगर लड़का है तो यहाँ मेल लिखेंगे, अगर लड़की है तो यहाँ फीमेल लिख देंगे, यहाँ F लिखेंगे। उसके बाद उसका यहाँ उम्र लिखेंगे, जितना भी उसका उम्र है, जैसे कि अगर मेरा उम्र 13 साल है तो हम यहाँ 13 साल लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ कौन सा सीट चाहिए वो सीट ले लेंगे, जैसे कि मुझे साइड लवर चाहिए तो हम यहाँ SL लिख देंगे, साइड लवर इसमें आ जाएगा साइड लवर। उसके बाद अगर आपको बोगी में खाना चाहिए तो यहाँ PS पे क्लिक करेंगे, और कौन सा खाना चाहिए, वेज या नॉन वेज, अगर वेज चाहिए तो यहाँ वेज लिख देंगे, अगर नॉन वेज चाहिए तो यहाँ नॉन वेज लिख देंगे। इसी तरह आप जितना भी आदमी है उतना आदमी का यहाँ नाम फिल कर देंगे, इसी तरह भर लेंगे। उसके बाद अगर आपके साथ में अगर बच्चा है तो यहाँ बच्चे का नाम फिल कर देंगे, वो जेंडर उसका यहाँ से ले लेंगे, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की यहाँ ले लेंगे। उसके बाद उसका यहाँ से उम्र डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑनवर्ड या रिटर्न जर्नी डिटेल्स। अगर आपको जैसे कि कटिहार से हम पटना का बुक किए हैं, अब पटना से मुझे अगर लुकमान्य तिलक यानी मुंबई का करना है बुक, तो हम यहाँ उसका डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। या फिर अगर जैसे कि पटना से मुझे फिर वापस आना है, रिटर्न आना है कटिहार, तो फिर हम कटिहार का भी यहीं पर बुक कर सकते हैं, इसी फॉर्म में बुक हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेन का नंबर या उस ट्रेन का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कब का ये जर्नी डेट यहाँ से ले लेना है, कब आपको सफ़र करना है वो यहाँ डेट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लास कौन सा लेंगे, स्लीपर लेंगे तो स्लीपर लिख देंगे, AC लेंगे तो AC लिख देंगे। कौन सा स्टेशन से आपको सफ़र करना है, जैसे कि मुझे पटना से करना है तो पटना हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कहाँ तक करना है, जैसे कि मुझे मुंबई तक करना है तो हम यहाँ मुंबई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, अपना यहाँ पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ अपना फुल एड्रेस पूरा लिख देंगे, जितना भी आपका एड्रेस है वो लिख देंगे। यहाँ आपके पास अगर आधार नंबर है तो यहाँ फिल कर देंगे, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, आपके पास अगर है तो ये दे देना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ PNR का डिटेल्स मिलता रहेगा SMS में। उसके बाद ये फॉर्म आप किस दिन फिल कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पर डेट फिल कर देंगे, और चाहे तो आप यहाँ समय भी फिल कर सकते हैं, टाइम भी यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर कर देंगे, और सिग्नेचर करके ये काउंटर वाले को जमा दे देंगे, तो आपका वो टिकट बुक करके दे दिया जाएगा। सो इस तरह से आप काउंटर से टिकट बनाने का फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।